Good morning, children. I am Surendra Yadav. I belong from SCM Public School, Putri School, Sambhugan, Jaunpur. Today I shall teach you our past class 7, chapter 2, Rule of the Government. Rule of the Government. Rule of the government in health. In health. इसमें आप लोग को rule of the government स्वास्थ्य में सरकार की भूमिका, स्वास्थ्य में सरकार की भूमिका के बारे में today I shall teach you in a democracy people expected the गवर्नमेंट टू वर्क फॉर देयर वेलफेयर. लोकतंत्र में लोगों की यह अपेक्षा रहती है, वेलफेयर रहता है, अपेक्षा रहती है कि सरकार उनके कल्याण के लिए कार्य करे. वेलफेयर उनके अच्छे कार्य के लिए, उनके हित के लिए कार्य करे, उनके हित के लिए कार्य करे. यहाँ देखेंगे इन ए डेमोक्रेसी पीपल एक्सपेक्टेड उत्साहित रहते हैं, जागरूक रहते हैं द गवर्नमेंट टू वर्क फॉर देयर वेलफेयर. लोकतंत्र में लोगों की अपेक्षा रहती है, आशा रहती है कि सरकार गवर्नमेंट टू वर्क देयर वेलफेयर. दिस कुड बी थ्रू द प्रोविजन ऑफ द एजुकेशन, हेल्थ, एम्प्लॉयमेंट, हाउसिंग और द डेवलपमेंट ऑफ रोड, इलेक्ट्रिसिटी, ETC. इसमें यह उनका कार्य रहता है कि सरकार उनके कल्याण के लिए कार्य करे. यह शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार प्रदान करने एवं गृह निर्माण तथा सड़कों के विकास तथा बिजली आज उपलब्ध कराने के माध्यम से हो सकता है. आज उपलब्ध कराने के माध्यम से हो सकता है. इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर में वी शैल एग्जामिन द मीनिंग एंड प्रॉब्लम रिलेटेड टू हेल्थ. इसमें हम स्वास्थ्य से संबंधित जो समस्याएं हैं उनके अर्थ के बारे में व्याख्या करेंगे. लुक एट द सब हेडिंग्स ऑफ दिस चैप्टर. इन व्हाट वे डू यू थिंक दिस टॉपिक इज रिलेटेड टू द वर्क ऑफ गवर्नमेंट. यहाँ बिजली पानी के माध्यम से हो सकता है. इस अध्याय में, इन दिस चैप्टर, तो इस चैप्टर में, दिस चैप्टर, इन व्हाट वेज डू यू थिंक दिस टॉपिक इज रिलेटेड टू द वर्क ऑफ गवर्नमेंट. तो इस अध्याय के उपशीर्षकों को देखिए, आपके विचार में यह विषय सरकार के काम से किस प्रकार जुड़ा है. कि इस अध्याय में हम स्वास्थ्य के अर्थ और उनसे संबंधित समस्याओं को जांचेंगे. इन दिस चैप्टर हम व्याख्या करेंगे द मीनिंग एंड प्रॉब्लम ऑफ रिलेटेड टू द हेल्थ. हेल्थ से संबंधित समस्याओं की जांच करेंगे और उनके उपशीर्षकों को देखेंगे. आपके विचार में यह विषय सरकार के काम से किस प्रकार जुड़ा है. आगे है व्हाट इज हेल्थ, स्वास्थ्य क्या है. व्हाट इज हेल्थ, स्वास्थ्य क्या है. वी कैन थिंक ऑफ हेल्थ इन मेनी वेज. स्वास्थ्य के बारे में अनेक प्रकार से सोच सकते हैं. मेनी वेज. हेल्थ मीन्स आवर एबिलिटी टू रिमेन फ्री ऑफ द इलनेस एंड द इंजर. बट हेल्थ इज नॉट ओनली अबाउट डिसीज. डिसीज यू मे हैव एसोसिएटेड ओनली सम ऑफ द सिचुएशन इन द एबव कॉलेज विथ हेल्थ. हमारा स्वास्थ्य का अर्थ यह है कि
हमारा बीमारियों और चोट आदि से मुक्त रहना, हमें चोट और बीमारियों से मुक्त रहना, फ्री रहना, रिमेन फ्री ऑफ द इलनेस एंड द इंजर्स। बट हेल्थ इज नॉट ओनली, लेकिन स्वास्थ्य का अर्थ केवल इतना ही नहीं रहता, अबाउट डिसीज, केवल बीमारी के बारे में नहीं रहता। यू मे हैव एसोसिएटेड ओनली सम ऑफ द सिचुएशन इन द एबव कॉलेज विथ हेल्थ, यहाँ केवल बीमारियों से संबंधित नहीं है, आपने उपर्युक्त कोलाज से केवल कुछ स्थितियों को ही स्वास्थ्य से जोड़कर देखा होगा, स्वस्थ होकर देखा होगा। व्हाट वी ऑब्टेन इग्नोर इज द फैक्ट दैट ईच ऑफ द एबव सिचुएशन इज रिलेटेड ऑफ टू हेल्थ तो स्वास्थ्य स्थिति का संबंध स्वास्थ्य से है, बीमारी के अलावा हमारे लिए उन कारणों पर भी विचार करना आवश्यक है जो हमारे स्वास्थ्य पर प्रभाव डालते हैं द अपार्ट फ्रॉम द डिसीज वी नीडेड टू थिंक, हमें सोचने की जरूरत है अदर फैक्टर, दूसरे कारणों को भी, दैट अफेक्टेड आवर हेल्थ, जो हमारे हेल्थ पर अफेक्ट डालते हैं। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पर, इफ पीपल गेट क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, यदि लोग जो है साफ पानी पा रहे हैं, यदि लोगों को पीने के लिए स्वच्छ पानी और प्रदूषण मुक्त वातावरण मिले, गेट क्लीन ड्रिंकिंग वाटर और पॉपुलेशन ए पॉपुलेशन फ्री एनवायरनमेंट अथवा प्रदूषित रहित जल या वायु मिले, दे आर लाइकली टू बी हेल्थी, यदि लोगों को सामान्यतः पीने के पानी स्वच्छ मिले और प्रदूषण मुक्त वातावरण मिले तो वे सामान्यतः स्वस्थ रहेंगे ऑन द अदर हैंड, दूसरे हाथों से उन्हें यदि उनको भरपेट भोजन न मिले, इफ पीपल डू नॉट गेट एडेक्वाइट फूड टू ईट, हैव टू लिव इन द क्रैम्पेड द कंडीशन, दे विल बी प्रोन टू इलनेस। यदि लोगों को भरपेट भोजन न मिले अथवा उन्हें घुटन भरी अवस्था में रहना पड़े तो उनके बीमार पड़ने की संभावना अधिक रहती है, दे विल बी प्रोन टू इलनेस, तो उन प्रोन मीन्स होता है संभावना, तो उन्हें बीमार होने की संभावना अधिक रहती है। तो आज के चैप्टर में बस इतना ही, धन्यवाद।